हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक्स आज की डेट में यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसका नाम है मदरसन सोमी वायर। मदरसन सोमी का नाम आपने सुना ही होगा, ऑटो एंसिलरी है और कुछ टाइम पहले जैन में यहाँ पर ये डीमर्जर से रिलेटेड न्यूज आई थी और सबको जिनके पास मदरसन सोमी के स्टॉक्स हुए होंगे उस टाइम और जिन्होंने बिफोर दैट रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट से पहले यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होगा उन्हें एक शेयर मिला होगा मदरसन सोमी वायर का, और जो कि आज की डेट में यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, अच्छा खासा यहाँ पर 68 पे जाता हुआ दिखाई दिया, हाई बनाया। इसके बाद लगभग 62 और 62.565 के आसपास ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग 17 लाख शेयर के यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, इस चीज को याद रखिए। सॉरी, 17.478 मिलियन यहाँ पर स्टॉक्स का यहाँ पर वॉल्यूम है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर नजर आता है। तो करना क्या है, क्या आपको करना चाहिए, एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर व्यू लेते हुए नजर आएंगे। अगर चीजें पसंद आए तो ऑब्वियसली बात है आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमारे इस चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिले सबसे पहले और आप उस वीडियो को देख के नॉलेज ले सके। यहाँ पर हम बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, और यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियोस बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, कल शाम सेंचुरी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आज यहाँ पर 10% का अपर सर्किट है, अगेन यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई है, उसी पे ट्रेड कर रहा है, बट बहुत जल्दी ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर और एक स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी जिसमें लगभग 40-50% के टारगेट कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा चैनल बड़ा ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली बात है बेहतरीन बेहतरीन हम आपके पास चीजें ले और भी लाते रहेंगे, और आप भी इसके साथ साथ सीखेंगे, सीख के आप भी बड़े यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर है, इन पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते, तो हम बात करने वाले हैं मदरसन सोमी वायर से रिलेटेड। ओके, शेयर यहाँ पर 62 के आसपास चल रहा है और लोअर सर्किट के पे यहाँ पर लगने वाला है शायद, हाँ लोअर सर्किट 61.95 का है। तो यहाँ पर लोअर सर्किट क्या हमें यहाँ पर बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो मैंने क्या किया है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बाई कर चुका हूँ इस शेयर को, और क्यों बाई कर चुका हूँ उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो बट आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजिशन लेनी है। तो हम बात करते हैं मदरसन सोमी वायर की। तो देखिए, मदरसन सोमी का बिजनेस आपने देखा ही है, एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा पर बिजनेस नजर आता है। ओके, और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट के बिजनेस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड जितने ही प्रोडक्ट्स हैं, ओके, ये सारे बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बोइंग एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनी काम करती है, हेल्थ मेडिकल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड काफी, बट उनमें से एक यहाँ पर बिजनेस है इनका वायरिंग हार्नेस से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर अलग होता हुआ दिखाई दिया है। और इस बिजनेस को याद रखिए, कोई भी बिजनेस जब अलग किया जाता है ना, उसको इसलिए अलग किया जाता है ताकि यहाँ पर उसमें में यहाँ पर वो ग्रोथ देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने पर यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर चीजें नजर आती है। तो सबसे पहले वायरिंग हार्नेस का बिजनेस जो है इनका अलग होता हुआ नजर आया है, वो भी इंडिया का। तो यहाँ पर जो इनके क्लाइंट है सुमो, उनसे ये बिजनेस अलग होता हुआ दिखाई दिया है। और इनके जो चेयरमैन है और या जो इनकी कंपनी के संस्थापक है, फाउंडर है मदरसन, जो जिनके नाम से यहाँ पर ये नाम आया है, वो एक बिजनेसमैन है और बहुत छोटी एज से, और यहाँ पर अगर बात करें आज वो ओल्ड हो गए हैं, बट स्टिल उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया है, उस बिजनेस को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई अगर 1999 में 12 पैसे का स्टॉक हुआ करता था, और 112,150% के रिटर्न दे चुका है। तो ये बिजनेस ऐसे बिजनेस है, जब चीजें नीचे आती है तो यहाँ पर खरीदने वाले यहाँ पर बिजनेस होता है, और नाम लिखा हुआ है मदरसन सोमी, तो इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बेहतरीन कंपनी है, 60,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पर ये मार्केट कैप है, बट हम बात कर रहे हैं इसी की सब्सिडरी यहाँ पर मदरसन वायरिंग हार्नेस से रिलेटेड। तो हार्नेस होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वो जान लेते हैं। तो देखिए, केबल हार्नेस या फिर वायरिंग हार्नेस से रिलेटेड ये जितने भी आपने देखे होंगे यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर ऑटो, यहाँ पर आपने कार में देखा होगा, आपने यहाँ पर बाइक में देखा होगा, जो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल आउट करती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज यहाँ पर बात करें, ये केवल ये प्रोडक्ट्स बनाती नहीं है, याद रखिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के हिसाब से उसे डिजाइन भी करती है, ओके, कि उन्हें किस तरीके का डिजाइन चाहिए। जब इलेक्ट्रिक
सेक्टर की बात की जा रही है उसमें भी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती हुई दिखाई देगी। तो ईवी का जो प्लेयर की अगर बात करेंगे तो ये भी ये स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं यहाँ पर देखिए, कनेक्टर, टर्मिनल, लॉक्स, वायर्स, केबल्स, ऑटो कपलिंग, ये भी ये कंपनी ये कंपोनेंट बनाती है, एज वेल एज ये पूरा का पूरा वायर बनाती है। और इसकी जो डिजाइनिंग होती है ये भी यही कंपनी करती हुई दिखाई देती है। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कंपनी यहाँ पर ग्लोबली, यहाँ पर इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, द कंपनी इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर हार्नेस एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ग्लोबली। यहाँ पर बात करें ग्लोबली की, इंडिया की नहीं, लार्जेस्ट है याद रखिए। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 93 इनकी फैसिलिटीज है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, उसमें भी अगर हम बात करें 21 कंट्री में यहाँ पर ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक एक्सपर्टीज है जिनमें जितने भी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन, ये सारे में इनका अच्छा खासा एक्सपर्टीज है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर देख लीजिए यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ओके, पोलैंड, जर्मनी, यहाँ पर ये जितने भी कंट्रीज है सऊदी अरेबिया के आसपास, एज वेल एज इंडिया, इंडिया में यहाँ पर अच्छा खासा है, चाइना में इनका अच्छा खासा वो रोल प्ले करते हैं, कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो यहाँ पर काफी बेहतरीन अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पर एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और जितनी भी है यहाँ पर देखिए, कंपनी इज द मार्केट लीडर इन द पैसेंजर कार वायरिंग, याद रखिए, इन इंडिया, इंडिया में जो कार से रिलेटेड, जो पैसेंजर कार से रिलेटेड जो वायरिंग में, उसमें एक लीडर है, एज वेल एज एंड फॉर हैवी, मीडियम एंड लाइट ड्यूटी जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ओके, वो भी चाइना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, उसमें ये लार्जेस्ट है। एज वेल एज द कंपनी ऑल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन यूरोप, टू व्हीलर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड रोलिंग स्टॉक मार्केट ग्लोबली। तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में हर एक कार के लिए, टू व्हीलर के लिए, एग्रीकल्चर, याद रखिए ये केवल टू व्हीलर और व्हीकल्स के लिए नहीं, एज वेल एज जो अलग अलग मशीन्स होती है, एग्रीकल्चर मशीन्स, कमर्शियल, एज वेल एज रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड, जो कि ट्रेन, ट्राम, लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक बसेस में काम आती है, ओके, यहाँ पर ये उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन करने में काम आते हैं, उसमें वायर बनाती हुई काम आती है। इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम में, अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सच एज मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, वाइट गुड्स और ऑफिस ऑटोमेशन। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग यहाँ पर बिजनेस के लिए यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। उनकी जो जॉइंट वेंचर है अलग अलग कंपनी, याद रखिए जो सबसे पहली यहाँ पर जब कार आई थी मारुति की, ओके, उनके साथ यहाँ पर इन्होंने इनके जो ये जो इनके संस्थापक है, फाउंडर है, आपने नाम भी सुना होगा, वो इंडियन ही है, जापान से यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाके यहाँ पर उसी तरीके के वायर के बिजनेस में आके, ओके, यहाँ पर क्रांति ला दी थी। और अच्छा खासा बिजनेस 12 पैसे का स्टॉक्स आपने देखा ही है किस तरीके से यहाँ पर भागा है। 12 पैसे का स्टॉक्स ने यहाँ पर आपको 1,12,150% के रिटर्न दिए, काफी बार बोनस दिया है, स्प्लिट दिया है। तो कंपनी छोटी मोटी नहीं है, एक बिजनेस, एक पूरा अच्छा मैनेजमेंट है पीछे, एज वेल एज कंपनी के जब शेयर नीचे जा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर बैट लगाते हैं इस पर्टिकुलर शेयर में, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। और भी यहाँ पर आपको रिसर्च करने की जरूरत है, यहाँ पर चीजें समझने की जरूरत है। जब यहाँ पर चीजें समझेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी, और जब चीजें समझ में आएंगी तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पर अलग अलग, याद रखिए ये कंपनी ने केवल यहाँ पर केवल जापान की कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करी, अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग उसके अलग अलग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर याद रखिए जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो यहाँ पर अलग अलग जब कंपनीज के साथ यहाँ पर टाई अप होंगे, डिफरेंट कंपनीज के साथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी शेयर होगा, तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हमेशा आता रहेगा। तो ये कंपनी पीछे नहीं जाने वाली, ये कंपनी हमेशा आगे रहने वाली है, याद रखिए। कभी भी कहीं भी रिवॉल्यूशन होगा, अमेरिका में कंपनी काम करती है, फिनलैंड, इंग्लैंड, किंगडम, तो यहाँ पर सब जगह काम करती हुई नजर आती है, यूनाइटेड किंगडम, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से टेक्नोलॉजी आती है, कोरिया से टेक्नोलॉजी आती है, तो यहाँ पर ये कंपनी आगे ही रहने वाली है, ये कंपनी पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है। एज वेल एज 5 ईयर्स प्लान देखेंगे तो कंपनी ने बताया कि कैसे 1995 से 2000 के बीच में कंपनी ने यहाँ पर इंडिया में ग्रोथ करी, फिर 2000 से 2005 में यहाँ पर ग्लोबल में, यहाँ पर मतलब
अदर कंट्रीज में यहाँ पर धीरे धीरे कंपनीज यहाँ पर जाना शुरू करी। फिर वहां पर उन्होंने अलग अलग मॉड्यूल 2005 से 2010 में अलग अलग मॉड्यूल टेक्नोलॉजी पे काम किया, डेवलपमेंट में काम किया। 2010 से 2015 के बीच में अगर हम बात करें फुल्ली सिस्टम सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग ग्लोबल, मतलब बात करें यहाँ पर कुछ कंट्रीज में था तो कंप्लीटली यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पर अपने आप को रिसाइज किया। यहाँ पर लार्ज साइज एक्विजिशंस किए, अलग अलग कंपनी के साथ डील्स करी और अपने आप को यहाँ पर $5 बिलियन की कंपनी बनाया। एज वेल एज 2015 से 2020 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अलग कंसोलिडेशन और पोजीशन एज ए ग्लोबल प्रिफर्ड एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में जाके यहाँ पर एक ग्लोबली प्रिफर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने, स्ट्रेंथनिंग आर ग्लोबल प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। मतलब यहाँ पर जितने भी कंट्री अलग अलग, जैसे कि बात करें बोइंग, यहाँ पर आपने अभी सुना ही होगा मदरसन ने यहाँ पर बोइंग के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करी है, ओके, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इनके ऑर्डर मिल रहे हैं। और अभी की बात करें 2020 से 2025, तो कंपनी का जो ये बिजनेस है यहाँ पर वायरिंग बिजनेस है, याद रखिए 40% का आरओसी ही देता है। 40% का आरओसी का मतलब एक बेहतरीन रिटर्न्स माने जाते हैं, याद रखिए। ऐसी कंपनी में आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वायरिंग के बिजनेस में। एज वेल एज यहाँ पर देखें तो टारगेट सेट यहाँ पर इन्होंने 36 बिलियन डॉलर का यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट किया कि इतने बिलियन तक यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर पहुंचाना है। और उसमें भी यहाँ पर अगर बात करें वायरिंग के बिजनेस की, तो वायरिंग का बिजनेस 7 से 8% का रेवेन्यू लेके आता है और 40% की आरओसी के साथ लेके आता है। और इसी को यहाँ पर ध्यान में रख के इन्होंने यहाँ पर डीमर्जर किया है, और जब डीमर्जर किया है तो ऑब्वियसली बात है मदरसन सोमी का स्टॉक बेशक से आज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और क्यों आया है नीचे, क्योंकि अगर हम बात करें निफ्टी 50, यहाँ पर मार्केट में गिरावट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट लगभग यहाँ पर 97 पॉइंट यहाँ पर नीचे गिरी पड़ी है। एज वेल एज यहाँ पर निफ्टी ऑटो की बात करें तो ऑटो में यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। यहाँ पर एक अच्छी खासी ऊपर से यहाँ पर नीचे गिरावट हुई है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज 2022 को यहाँ पर समझिए कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज यहाँ में यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो इंडिया को हमेशा ऊपर जाना ही है, तो जब यहाँ पर चीजें ऊपर जाएगी तो यहाँ पर याद रखिए एक अच्छे वैल्यूएशन। यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर मदरसन सोमी का जो स्टॉक्स का जो ये वायर का स्टॉक यहाँ पर जो लिस्ट हुआ है ये एक अच्छे फेयर वैल्यूएशन पे यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो बाई ऑन डिप्स, याद रखिए बाई ऑन डिप्स करने की यहाँ पर सलाह रहेगी। और आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, आपको अगर करोड़पति बनना है, तो ऐसे ही स्टॉक्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मैनेजमेंट अच्छा खासा है, ऊपर से अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी ने अपने पास्ट में दिया है, तो पास्ट का परफॉर्मेंस हमारे पास है। गिरावट जब भी हुई है तब भी अच्छा खासा शेयर भागा भी है। मैं यहाँ पर मदरसन सोमी की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मदरसन सोमी वायर से के बिजनेस से रिलेटेड भी। और जब यहाँ पर चीजें भागने शुरू होगी, धीरे धीरे चीजें यहाँ पर चलना शुरू होगी, तो यहाँ पर ये ही कंपनी यहाँ पर दोबारा कितने एक्स के रिटर्न देती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर 10x, 20x, 100x, 200x भी यहाँ पर रिटर्न्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी टेक्नोलॉजी, ईवी से रिलेटेड कंपनी काम करती है, अच्छे खासे बिजनेस में है, 40% का आरओसी देती हुई नजर आ रही है। एज वेल एज यहाँ पर मिड कैप कंपनी यहाँ पर है, याद रखिए स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप है। अभी तक सारी डिटेल्स यहाँ पर आती हुई दिखाई नहीं दी है, अभी जब रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारी साइट यहाँ पर छान के देखी है, एज वेल एज मदरसन सोमी के भी यहाँ पर इसमें शेयर है। यहाँ पर इनके जो ग्लोबली पार्टनर है जिन्होंने ये डीमर्जर कराया है, उनके भी यहाँ पर 25% की यहाँ पर होल्डिंग है। तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग अच्छे खासे हाथों में है, सब कुछ अच्छा खासा है, कंपनी में डरने की जरूरत नहीं है। जब थोड़ी बहुत अगर और गिरावट होती है, बाय ऑन डिप्स करना है, आपको प्ले करना है और अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे। बट एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्टॉक्स अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लिस्ट हुआ था जिसका नाम है GMR पावर से रिलेटेड। ये देखिए ये यहाँ पर डीमर्जर होकर दिखा था 48 के आसपास, और आज तक इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? लोअर सर्किट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यूएशन पे नहीं था, इसके फेयर वैल्यूएशन 8 से 9 रुपए पे था, इसलिए यहाँ पर चीजें गिरती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन मदरसन सोमी का है, याद रखिए। और जब मदरसन सोमी का फेयर वैल्यूएशन है तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, और उस केस में यहाँ पर बाइंग करेंगे तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मदरसन सोमी की, तो यहाँ पर मदरसन सोमी का जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पर 245 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर देख लीजिए 272 तक गया था, उसके बाद यहाँ पर चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर डीमर्जर की न्यूज आई तो यही शेयर गिरा। तो यहाँ पर एक के बदले एक शेयर आपको मिला है,
तो यहाँ पर आप देखे तो ये शेयर गिरा कितने से था, यहाँ पर अगर बात करते हैं 230 के आसपास ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया था, 180। तो यहाँ पर 180 से सबसे पहले तो मदरसन सोमी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर ऊपर जाने के पूरे चांसेस है, जो इसने कर्व बनाया था वो ऊपर। तो 134 प्लस में यहाँ पर मदरसन सोमी का 60 का शेयर ये लगा लीजिए, तो 180 के आसपास एक नीचे चल रहा है, आपको फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, चीजें नीचे आ चुकी है। तो जब चीजें नीचे आ चुकी है तब यहाँ पर आप खरीदेंगे, तो ही यहाँ पर आप जब ये ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों का यहाँ पर वैल्यू है। ओके, इसकी इसकी बात करें तो 180 के आसपास नजर आती है, 180 से ये क्योंकि ये नीचे गिरा था। और बात करें दूसरे शेयर की वायर की, तो वो 60 के आसपास चल रहा है फेयर वैल्यूएशन पे, 60-70 के आसपास। जब चीजें ऊपर जाएगी, मार्केट जब सुधरेगी, निफ्टी 50 सुधरेगा, ऑटो ऑटो के शेयर सुधरेंगे, तो ये शेयर भी ऊपर आएगा, और जब ये शेयर ऊपर आएगा तो अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। बाय ऑन डिप्स, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी, और यहाँ पर वीडियो को करते हैं क्लोज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। दूसरे वीडियोस को भी आज की डेट में आएंगे तो उन्हें भी देखना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।